सो गाइस, क्या आपको ये बात पता है कि बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में काई ने एक ऐसा सीक्रेट बैटल लड़ा था जो कि हमको एनीमे में ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया है। तो आखिरकार वो कौन सा ऐसा सीक्रेट बैटल था, वो कौन सा ऐसा सीक्रेट बेब्लेडर था जिसके साथ काई बेब्लेड बैटल किया था, और उस बैटल में कौन जीता था, इस सभी का पता आज हम लगाने वाले हैं इस टॉप 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के वीडियो में। बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का सीजन 3, जिसको हम बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के नाम पे भी जानते हैं। आज हम आपको बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, जिनमें से शुरू के 3 फैक्ट्स तो बहुत कॉमन होंगे, लेकिन उसके बाद के जो लास्ट के 2 फैक्ट्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और बहुत ही ज्यादा अनकॉमन भी होंगे। आपने वो फैक्ट्स कभी भी नहीं सुना होगा अगर आप बेब्लेड जी रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे से देखे हुए तो भी। बहुत ही कम ही लोगों ने उन दोनों फैक्ट्स के बारे में पता लगाया होगा। सो इस वीडियो को फाइनली शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये एक रीमेक वीडियो है। ये वीडियो मैंने इससे पहले भी बहुत साल पहले बनाई थी, जब मेरे कुछ 100 सब्सक्राइबर्स थे, तब मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, इसलिए मैंने इसका रीमेक बनाने का सोचा कुछ करेक्शन करके। तो चलिए गाइस, आपको ये बात पता चल गई, आप अब फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको तो पता ही होगा कि बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का जो मूवी है एंड जो बेब्लेड जी रेवोल्यूशन है, उसमें दोनों में ही हमको डाइची को दिखाया गया है। और बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का जो मूवी है वो बेब्लेड बिफोर्स की स्टोरी पे बेस्ड है, मतलब ये एक नॉन कैनन मूवी है, ये तो हमको बाद में पता चला। लेकिन जब हमने देखा था तब हमको ये पता उतना अच्छे से नहीं चला था कि ये नॉन कैनन मूवी है, लेकिन फिर भी हमने एक अंदाजा लगा लिया था कि ये नॉन कैनन मूवी है। सिर्फ यही फैक्ट है क्योंकि हमको जो मूवी में डाइची को दिखाया गया था, उस डाइची के बारे में हमको मूवी में भी बैक स्टोरी के बारे में बताया गया था, लेकिन मूवी के बाद ही तो जी रेवोल्यूशन आया, तो जी रेवोल्यूशन में डाइची को हमको दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी उसका पूरी हिस्ट्री और उसको स्टेटा ड्रैगन कैसे मिला ये भी हमको जी रेवोल्यूशन सीरीज में अलग करके बताया गया। तो इससे पता चल जाता है कि वो मूवी जो है वो नॉन कैनन है। फैक्ट नंबर 4, तो आपको तो पता ही होगा कि बेब्लेड के सीजन 1 में हमको वाइट टाइगर नाम की एक टीम दिखाई गई थी, जो कि चाइनीज टीम थी, पर वो बहुत ही ताकतवर टीम हमको दिखाया गया है, लेकिन इसके बाद बीफोर्स में ये टीम हमको देखने को नहीं मिली, डायरेक्ट हमको जी रेवोल्यूशन सीरीज में इस टीम को देखने को मिला। लेकिन जी रेवोल्यूशन सीरीज में हमको जो ये टीम देखने को मिला था, वो टीम सीजन 1 के जो टीम था उससे कंपैरेटिवली कमजोर दिखाया गया है। अब ये कमजोर क्यों दिखाया गया, इसका जवाब तो एक ही है, क्योंकि गाइज एंड बेब्लेड बिफोर्स में हमारा जो ब्लेड ब्रेकर्स टीम है, उन्होंने बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस को हासिल किया और पिछली बार से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गए, एंड जी रेवोल्यूशन में जाते जाते तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। असली बात तो ये है कि टीम व्हाइट टाइगर्स की पावर जैसी थी थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन जी रेवोल्यूशन के जाते जाते मतलब बेब्लेड जो ब्लेड ब्रेकर्स टीम थी उनके पावर को लेवल को बीट नहीं कर पाई, इसलिए हमको बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में व्हाइट टाइगर्स टीम कंपैरेटिवली कमजोर दिखाया गया। फैक्ट नंबर 3, आपको तो पता ही होगा कि ब्रुकलिन ने लगभग 2 बार काई के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड काई ने उसके साथ भी 2 ही बैटल्स की थी। पहली बार भी काई ने उससे हार गया था बहुत बुरी तरीके से, वो बहुत ही इमोशनल एपिसोड था जब काई वहाँ पे हारा, एंड उसका बेब्लेड बाद में ब्रुकलिन ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब टाइसन की टीम ने हार्ड मेटल सिस्टम बनाया, जो कि बहुत ही हार्ड मेटल से बना है, सो उस सिस्टम से लेके भी जब काई अपना ड्रॉन्सर को लेके लास्ट मैच लड़ रहा था ब्रुकलिन से, जिसमें उसने बैटल जीता था, उसमें भी काई का वो हार्ड मेटल सिस्टम का ड्रॉन्सर मेल्ट होने लगा था। अगर आपको याद भी होगा कि हार्ड मेटल सिस्टम केनी ने कहा था कि बहुत ही ताकतवर मेटल से बना हुआ है, फिर भी काई का बेब्लेड जो है वो ब्रुकलिन मेल्ट कर दे रहा था और उसका पावर भी अपने ब्लैक होल के जरिए खींच रहा था। लेकिन एट लास्ट काई ने ब्रुकलिन को हरा दिया, उसके बाद हमको पता चला कि काई का वो बेब्लेड भी डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये जो सीन था ये भी बहुत ही इमोशनल एंड एपिक सीन था जो हमको बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में दिखाया गया। फैक्ट नंबर 2, काई को जब अपना मेटल ब्रॉन्जर मिला था, उसके बाद काई उसको लेके
एक जगह प्रैक्टिस कर रहा था और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम काई के साथ एक ब्लेडर का मुकाबला होता है, जो ब्लेडर और कोई नहीं, उसका नाम था रोमेरो, जो कि लॉल और जूलिया का कोच था। उसके साथ काई ने बे बैटल की थी अपने मेटल ड्रॉन्जर से सबसे पहले। सो उस बैटल में हमको रोमेरो का बेब्लेड बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिला, एंड उसका जो बेब्लेड का कलर था आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, वो बिल्कुल हमारे इंडिया का फ्लैग के कलर के जैसा ही है, एंड इसके साथ साथ इटाली के फ्लैग के कलर के जैसा ही है। सो इससे हम रोमेरो का पता लगा सकते हैं कि रोमेरो शायद एक इटालियन ब्लेडर भी हो सकता है। फैक्ट नंबर वन, बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में हमको ब्लिस्टिक बॉयज टीम तो दिखाई होगा, आपको पता है, एंड उसमें काई ने भी ज्वाइन कर लिया था सिर्फ और सिर्फ टाइसन को ही हराने के लिए बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियंस में। तो आपने नोटिस किया होगा ब्लिस्टिक बॉयज के टीम में एक टीम मेंबर मिसिंग था, वो टीम मेंबर का नाम है यान। यान को आपने बेब्लेड के सीजन वन के जो डेवोल्यूशन बॉयज के टीम था उसमें तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन जी रेवोल्यूशन में उसी टीम में यान नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, इसका सीक्रेट भी ये है कि हर कोई टीम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने से पहले उनका एक मैच होता है, जो जीतेगा वही वो टीम में सिलेक्ट हो पाएगा और जो हार जाएगा वो टीम से अलग हो जाएगा। तो काई ने जब हिस्ट्रिक बॉयज टीम ज्वाइन की थी उसने यान को हरा दिया था, इसलिए यान को उस टीम से हटा दिया गया एंड काई ने वो टीम ज्वाइन कर लिया। अब यार इतना सा चीज़ हमको एनिमे में दिखाई नहीं गई है, ये एक काई का हिडन बैटल है जो हमको एनिमे में दिखाया नहीं गया है, ये सिर्फ हमको मांगा में ही दिखाया गया है। सो हाँ गाइस, यही था हमारा आज का फैक्ट वीडियो। आपको ये फैक्ट वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे बेब्लेड के फैक्ट वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। लाइक एम है 300 लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी लाइक एम कंप्लीट कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दो। हमारे 4K सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने ही वाले, तो उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। तो तब तक के लिए मिलेंगे एक और न्यू एंड अमेजिंग बेब्लेड से रिलेटेड वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।